हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में मैटलैब जॉली डिजाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं पेंडेंट सेट डिस्प्ले के इमेज में फ्रेंड्स, तो वही आज पेंडेंट सेट आज हम बनाने वाले हैं। वैसे पेंडेंट सेट फ्रेंड्स आपको देखने में सिंपल है, लेकिन फ्रेंड्स ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एकदम शानदार एकदम जोरदार लगने वाला है। तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। और फ्रेंड उसके साथ हमारे चैनल पे अभी चल रही है मेंबरशिप, जो 29 रुपीज़ के 1200 रुपीज़ तक है। आप उसमें से कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है, वहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स पेंडेंट सेट इतना अच्छा है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको जो एक फ्रेंड्स आपने बना दिया तो आपको सब भी प्रॉब्लम आपका सब कुछ सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में तो फ्रेंड्स वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स अभी से लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मेरा वीडियो सभी को पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे कमेंट करिए, नीचे बताइए मुझे, भाई मुझे ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ और नया बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट भी करना है साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसके अलावा हमारे एक और चैनल है धनवी गेमिंग। तो फ्रेंड्स उस चैनल में फ्रेंड आपको सभी गेमिंग का वीडियो मिलने वाला है, जैसे कि GTA 5 ऑनलाइन है, उसके बाद जो GTA 5 स्टोरी मोड है, ठीक है ऑफलाइन में, और माइनक्राफ्ट है, पबजी मोबाइल, और सभी गेमिंग का वीडियो फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स अभी से, और इस वीडियो को फ्रेंड्स आपको लाइक तो करना है, ठीक है कंपल्सरी लाइक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये वीडियो में आपको पहले से ही बता देता हूँ कि लंबी होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो का ज़्यादा भी स्किप मतलब वीडियो पूरा देखिए। अगर फ्रेंड्स इसमें आपको एक भी पार्ट मिस हो गया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स जो इमेज आप देख रहे हैं ठीक है ना डिस्प्ले के, वो फ्रेंड्स इमेज आपको एकदम फ्लैट दिखा रही है, लेकिन फ्रेंड्स इतना इस इमेज में जो डिज़ाइन है उसमें इतना स्टेपिंग आने वाला है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ से निकला और कहाँ से गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब कि कौन सा हमने कहाँ से ड्रॉ किया और ऐसे डिजाइन एकदम अच्छे, आप देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है सब कुछ, तो अपने सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सभी कव है वो कव सब ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मैं कव ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए मैं कैसे करना है। ठीक है सब कुछ फ्रेंड्स, आप सबको पता है कव कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है मैंने नीचे दे दी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए वीडियो फ्रेंड्स कैसे करना है। ठीक है, और एक बार फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में कुछ बोलूँगा नहीं ताकि फ्रेंड्स इसमें कव ड्रॉ इतना सारा कव ड्रॉ करना है ना, तो मैं बोलूँगा तो मेरा गला सूख जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं कुछ बोलने वाला हूँ। ठीक है, कुछ नया आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, कैसे क्या करना है, लेकिन फ्रेंड्स जो सिंपल चीज़ है सब कव ड्रॉ करना उसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले मैं क्या करता हूँ, सभी कव ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको वापस बात करता हूँ। ठीक है, आपके साथ
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आधे कव जो है सभी ड्रॉ कर दी है, लेकिन बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी कव ड्रॉ करते हैं तो इमेज के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। मतलब कि फ्रेंड्स जो कव ड्रॉ करते हैं उसका शेप एकदम सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कुछ मैंगो है उसके मैंगो के जगह फ्रेंड्स कुछ और ही लगे, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने जो गलती की है थोड़ी थोड़ी सी, यहाँ से मैंने कव एकदम परफेक्ट ड्रॉ किया है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एकदम राउंड शेप जैसा है तो उसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वो आपको सही कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कव सिलेक्ट करना है, कव सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको कंट्रोल पॉइंट ऑन करना है, मतलब कि F10 जो शॉर्टकट की है उसकी, ठीक है ना, उसको फ्रेंड्स ऑन करेंगे तो सभी कव का जो पॉइंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बारी बारी से सभी पॉइंट सिलेक्ट करके उसको सही करना है, मतलब कि उसको सही शेप देना है, ठीक है। इस बात का आपको फ्रेंड्स ध्यान रखेगा। फ्रेंड्स अगर आपका जो कव का शेप सही नहीं होगा तो आपकी डिजाइन भी एकदम अच्छी नहीं लगने वाली। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सभी कव जो एकदम सही कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी को सही कर दी है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आधी मटेरियल बना दी है उसको फ्रेंड्स मैं दे रहा हूँ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने उसको सरफेस दे दी है, ठीक है, आप देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सरफेस देने के बाद मैं उसको देने वाला हूँ हाइट। फ्रेंड्स हाइट आपको अपने हिसाब से रखनी है, मिनिमम फ्रेंड्स जो डायमंड वाला पार्ट आता है फ्रेंड्स वहाँ पे 0.8 देनी है। बाकी फ्रेंड्स आप कहीं पे जॉब पे जाएंगे, आप जॉब पे जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको वहाँ से पहले ही बता रही है कि भाई मुझे इतनी हाइट चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको रखनी है, वरना फ्रेंड्स मिनिमम 0.8 आती है, ठीक है, डायमंड वाली जगह पे, और जहाँ पे डायमंड नहीं है वहाँ पे 0.6 आती है, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर फ्रेंड्स ये रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपका जो कुछ भी डिजाइन है उसका वेट भी कम आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बना लिया, उसके बाद फ्रेंड्स आपको कैच एजेस का यूज़ करके उसको डॉम बनाना है, मतलब कि उसको बेंड करना है, ठीक है। देख लीजिए मैं कैसे बेंड कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो डिज़ाइन एकदम स्टेपिंग वाली है, फुल ड्रॉम आएगा, उसमें डॉम आने वाला है एकदम, ठीक है, एकदम जोरदार बेंड आएगा। तो फ्रेंड्स वही बात आपको सीखना है, ठीक है, इसमें कैसे करना है। तो देखते रहिए फ्रेंड्स मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, कुछ नया आता तो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आधी मटेरियल बना दी है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दूसरी साइड का जो कव है वो कव ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, उसमें भी फ्रेंड्स सेम प्रोसेस है, मैं कव ड्रॉ करने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ नया नहीं है, कव कैसे करना है, कैसे सही करना है उसको, ठीक है, वो सब मैंने फिर अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है, ठीक है, तब तक। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सब कव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कव हो जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको वापस मिलता हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं कोई अच्छा वाला म्यूजिक लगा देता हूँ, ठीक है, म्यूजिक के साथ फ्रेंड्स आप डिजाइन कैसे सब कैसे करना है वो देख लीजिए, ठीक है, और म्यूजिक भी साथ में सुनते रहे, ठीक है फ्रेंड्स। कव हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको मिलता हूँ, ठीक है, ओके फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पे कव भी ड्रॉ कर दिया, उस जो कव था उसको सरफेस भी दे दिया। तो फ्रेंड्स अभी मैं देने वाला हूँ उसको हाइट, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स मैं हाइट कैसे देता हूँ, वो भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो फ्रेंड्स हाइट में मेन चीज़ क्या है, ठीक है, आपको 0.8 रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अपने जो पेंडेंट सेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पेंडेंट सेट में एकदम डॉम आने वाला है, स्टेपिंग फुल आएगा, ठीक है, एकदम जोरदार स्टेपिंग आने वाला है। तो फ्रेंड्स मेन बात वही है, कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स ये इतना जबरदस्त पेंडेंट सेट आप देखते हैं, इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो उसको फ्रेंड्स इस पेंडेंट में कौन सा पॉइंट आपको कहाँ पे जाने वाला है वही मेन देखना है, ठीक है, मतलब कि नीचे से जाएगा या ऊपर के साथ ऊपर से जाएगा, तो बस वही आपको खास देखना है, ठीक है। इसमें तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सब जो मैटर था वो बना दिया है डायमंड वाला। तो फ्रेंड्स अभी मैं बनाने वाला जो आप देखे बटरफ्लाई है, ठीक है, बीच में बटरफ्लाई पतंग, ठीक है, वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वो भी कैसे करना है, वही फ्रेंड्स सेमी प्रोसेस है, कुछ भी नया है। कव ड्रॉ करने के बाद उसका सरफेस या सिकू देना है, ठीक है, उसके बाद जो मेटल दे रहा है, हाइट दे रहा है, बात खत्म, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। तो फ्रेंड्स सुनते रहे म्यूजिक, ठीक है, कोई अच्छा सा म्यूजिक मैं आपके लिए लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और म्यूजिक के साथ फ्रेंड्स आपको जो डिजाइन है वो भी देखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। भले भी हालांकि फ्रेंड्स आपको मुझे पता है आपको कव ड्रॉ करना आता है, लेकिन फ्रेंड्स कव कैसे ड्रॉ करना है वो आपको देखना है, ठीक है। उसका शिफ्ट टू आएगा क्या आएगा वो आपको नहीं पता। बाकी फ्रेंड्स जो इमेज है, इमेज तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस, मतलब इमेज को भी फ्लैट में है ना, तो फिर आपको शिफ्ट टू लगाना है, उसमें क्या लगाना है, मैं क्या करूँगा तो अच्छा लगेगा वो आपको नहीं पता है। तो फ्रेंड्स देखते रहे वीडियो और सुनते रहे म्यूजिक, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो बटरफ्लाई वो बना लिया है, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, ये जो मेटल होता है मेटल के अंदर मेटल फ्रेंड्स हमेशा टच होना चाहिए, मतलब कि 0.1 या फिर 0.15 जितना अंदर रहना चाहिए। पर फ्रेंड्स वो अंदर नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब RPT फैलेगी तब आपका मेटल वहाँ से अलग पड़ जाएगा, मतलब कि वो काम कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो मैंने फ्रेंड्स उसके दूसरे मेटल के साथ उसको ज्वाइंट कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे उसको ज्वाइंट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में वो बात ही सीखने मिलने वाली है कि भाई जो कोई भी डिजाइन डोम है, ठीक है, डोम वाली डिजाइन है, तो फ्रेंड्स मैंने जो बटरफ्लाई बना था अभी भी बनाया आगे, ठीक है, वो फ्रेंड्स में बटरफ्लाई फ्लैट भी रख रहा था, लेकिन फ्रेंड्स फ्लैट अच्छा नहीं लगेगा, कोई मेटल के साथ ज्वाइंट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वही बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी डिजाइन हो तो उसको मेटल के साथ ज्वाइंट करना है और उसको बैंड मतलब कि मेटल के साथ टू टच रखना है, ठीक है, ताकि वो मैं जब IPT फाइल आएगा वहाँ से अलग ना पड़े, इसीलिए, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मैंने क्या किया, जो मैंने बटरफ्लाई बनाया था उसका फिर मैंने सिंपल यहाँ पे कॉपी लगा दिया है, कॉपी लगा कर फिर मैंने उसको दूसरी जगह पे रख दिया है और अपने हिसाब से फिर मैंने डिजाइन के हिसाब से उसको छोटा बड़ा कर दिया है। लेकिन फिर आप कुछ भी इसमें 3D या 2D लगाते हो 1D लगाता है तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है, मेटल होती है वो मिनिमम 0.8 की होनी ही चाहिए, ठीक है, और उसमें फिर 3D लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 3D या 2D आप लगा सकते हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसमें मिनिमम जो मेटल होती है वो 0.8 की होनी ही चाहिए, अगर फ्रेंड्स 0.8 का मेटल कम होती है तो आपका 3D नहीं चलेगा, ठीक है, तो इस बात का फ्रेंड्स आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रहा हूँ कॉलेट, तो फ्रेंड्स कॉलेट बनाने के पहले मैं जितना डायमंड है वो डायमंड अपनी जगह पे रख देता हूँ, मतलब कि जहाँ जहाँ पे डायमंड है मैं सब डायमंड रख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड उसको मैं सेट करना पड़ेगा, ठीक है, सेट होने के बाद फ्रेंड्स मैं जहाँ पे डायमंड वहाँ पर रख दूंगा, उसके बाद उसकी बना लूँगा कॉलेट, ठीक है। तो देखते जाए फ्रेंड्स कैसे करना है कॉलेट बनाना, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं डायमंड पेन आपको सेट करना है ताकि आपको पता चले वहाँ पर छोटा डायमंड है क्या बड़ा, फिर कहीं आप फिर कॉलेट बन गई उसके बाद आपको ऊपर भाई यहाँ पे तो छोटी कॉलेट रहने वाली है। पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से कॉलेट बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर उससे पहले आप सेट कर दीजिए, ठीक है, डायमंड यहाँ पे कौन सा नहीं वाला कौन सा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आप सभी को पता है आप जो इमेज में देख रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे सभी जगह पे कॉलेट ही आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो वीडियो है उसको कॉलेज जब बनाता हूँ तब तक मैं वीडियो स्पीड में रखने वाला हूँ, ठीक है स्पीड फ्रेंड्स। तो देखते रहे खास फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, वीडियो स्पीड में रखूँगा तो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सब पता है कॉलेज कहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, कॉलेज बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको मिलता हूँ, ठीक है, तब तक फ्रेंड्स मैं वीडियो स्पीड में रख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स वीडियो अगर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसीलिए। तो फ्रेंड्स इसमें मैं सिंपली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं कॉलेज बना रहा हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स कॉलेज का वीडियो आगे बताया था कैसे करना है, ठीक है कॉलेज का वीडियो। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं कॉलेज का वीडियो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स कैसे कॉलेज बनानी है, ठीक है। बाकी सब फ्रेंड्स सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो जो होगी आई बटन में दे दूंगा, ठीक है कॉलेज की, वहाँ से आप देख सकते हैं कॉलेज कैसे बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा थी मैंने यहाँ पर सभी कॉलेज कंप्लीट बना लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, बारी बारी से मैंने बना लिए वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स अभी जो मेन बात है उसको जो आता है तो इमेज के हिसाब से सेट कहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने इमेज में देखा थी बहुत सारी कॉलेज है, लेकिन बस उस जब सभी कॉलेज तो सेट कैसे करना है वही मेन बात है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आप कॉलेज फ्लैट नहीं चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो डिजाइन एकदम डॉम वाला है, ठीक है फुल स्टेपिंग वाला है। तो फ्रेंड्स आपको कैसे बारी बारी से सेट करना है वो भी देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ। और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए अभी से, ताकि फिर एकदम वीडियो एकदम अच्छी और डिजाइन भी एकदम अच्छी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं बारी बारी सभी कॉइड को सेट करने वाला हूँ, देख लीजिए कैसे करता हूँ, ठीक है सेट।
मतलब फ्रेंड्स जो कलर आने वाले एकदम फ्लो वाइज आएगी, मतलब कि फ्रेंड्स जहाँ पे राउंड है वहाँ पे राउंड टाइप आएगी, और जहाँ पे बैन है मतलब कि यहाँ पे रोटेट में करूँगा, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स एकदम फ्लो वाइज, मतलब कि जैसे कैसे ऊपर से डाउन हो रहा है तो उसी तरह से फ्रेंड्स जो डिज़ाइन का शेप है, ठीक है, डिज़ाइन का जो फ्लो है मतलब कि डॉम वाला है, तो फ्रेंड्स वैसे ही आपको फ्रेंड्स कलर उसकी जगह पर रखने हैं, डॉम वाले में रखने हैं, रखने हैं फ्लैट बैन उसको, आपको डायमंड कॉलर है उसको बैन नहीं करना है, लेकिन फिर उसको इस तरह के रोटेट करना है, ठीक है, उसको एकदम ज्वाइंट लगे और एकदम लगे भाई सही है, एकदम डिजाइन काम उसके एकदम अच्छा हो, उसके अगर आपको सेट करें जैसे कि मैं फ्रेंड्स यहाँ पे सभी कॉलर वन वन करके वन वन बाई वन सेट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके अगर आपको रोटेट करना है, देखना है अच्छा हुआ नहीं हुआ, वापस रोटेट करना है, ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आपको सभी काम करना है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आपने देखा डिफरेंस, मैंने यहाँ पे सभी को अपनी जगह पे मतलब कि फ्लो वाइज एकदम सेट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं अभी डिजाइन को सेव कर रहा हूँ, ठीक है, वापस तकरीबन फाइल हमारी क्रेश ना हो जाए इसीलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी जगह पर इसको सेट कर दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए कॉलेज कैसे एकदम अच्छी लग रही है, सभी जगह पर उसको जहाँ पर कॉलेज है, ठीक है, फ्लो वाइज मैंने सेट किया है, यानी कि कैंपी भी रख दी है, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो आती है ऊपर वाली कुछ लूप जैसा है वही बना रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, देखते हैं मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, कैसे कौन करता हूँ, कौन सा कमांड यूज़ करना है, फ्रेंड्स वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने वो पत्तियाँ भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उसको स्पेस दे दिया है, उसके बाद उसकी हाइट दे दी है, उसके बाद फ्रेंड उसको मैंने कैच एरेज का यूज़ करके उसको बैंड भी कर दिया है ताकि मेरे डिजाइन है उसके हिसाब से हो जाए कम्पेटिव, ठीक है। मतलब कोई फ्लो वाइज लगना चाहे उसी तरह से फ्रेंड मैंने उसको भी सेट कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने जो डिज़ाइन थे उसमें सभी मटर सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आती है स्टेपिंग। आपने जो इमेज में देखा होगा फ्रेंड्स कोई पार्ट अप है, कोई पार्ट डाउन है, कोई अप डाउन ऐसे फ्रेंड सभी पार्ट से। तो फ्रेंड्स आपको वन करके कैच एडिट का यूज़ कर से सभी पार्ट को डाउन अप डाउन अपने हिसाब से करना है, ठीक है, ताकि वो डिज़ाइन एकदम शेप एकदम अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स कैच इसमें करना है कैच एडिट का यूज़, लेकिन फ्रेंड्स कैसे यूज़ करना है आपको नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स इसके लिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करिए, वीडियो पूरा देखिए। आपको फ्रेंड्स इसमें जो कैच एडिट में जो बहुत सारे कमा पॉइंट आते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करके कौन सा कमा कहाँ पर रखना है, ठीक है, फ्रेंड्स वही मेन बात है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि डिज़ाइन का लुक एकदम अच्छा है, इसीलिए फ्रेंड्स आपको ये करना जरूरी है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स सब कुछ सेट हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको उसमें लगाना होगा सपोर्ट। लेकिन फ्रेंड्स आप देख लीजिए कॉलेज है, कॉलेज का कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरी एक मतलब कि एक साइड का सपोर्ट लेकिन है नहीं, दूसरी साइड है वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर सपोर्ट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। और फ्रेंड्स कोई अच्छा वाला सपोर्ट भी लगा दीजिए, लेकिन फ्रेंड्स सपोर्ट लगाते तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो सपोर्ट होगा फ्रेंड्स मिनिमम आपको 0.7 या 0.8 का रखना है, ठीक है। कोई भी सपोर्ट लगाते हैं तो 0.7 का रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो सपोर्ट होता है आपको ऊपर की ओर के ऊपर की ओर से नहीं दिखना चाहिए, तो नीचे की ओर से दिखेगा तो चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स ऊपर की ओर को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। उस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ओके फ्रेंड्स। तो देखा मैंने सब यहाँ पे उसको स्टेपिंग दे दिया है, सभी पार्ट को वो स्टेप वाइज मैंने उसको सेट कर दिया है। तो फिर उसके बाद आती है जो डायमंड पेस्टिंग, और फिर आपको डायमंड पेस्टिंग जो करते एकदम लास्ट में करना है, ताकि वो अपने सब स्टेपिंग बैकिंग सब बैन और कर देना है, ठीक है। डाउन बाउन अप डाउन करने के बाद फिर आपको डायमंड पेस्टिंग करना है, ठीक है। तो फिर डायमंड पेस्टिंग भी कैसे कैसे करना है मैं आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो फिर देखते रहे वीडियो में, अभी फटाफट उस पर सब डायमंड पेस्टिंग कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से जो डायमंड पेस्टिंग कर रहा हूँ उसको मैं फ्रेंड्स में जो वीडियो है मैं उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में रखने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स डायमंड में अभी डायमंड पेस्टिंग कर रहा हूँ, वो सब आपको कैसे करना है क्या करना है उसको सब कुछ आपको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कर रहा हूँ उसको अभी फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे डैमर रखने में दिक्कत आई थी, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया, मतलब कि कुछ कॉलर तो उसमें सपोर्ट लगाया है, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स जो कॉलर थे उसमें सपोर्ट लगाना बाकी था, ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा सेटिंग कर दिया, कोई पार्ट है उसको अप डाउन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं बीच में भी, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बार का ध्यान रखना है, वो पार्ट्स अपनी जगह पर हिलना नहीं चाहे, ठीक है, उस वक्त का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे सपोर्ट लगाना में रह गया था, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ सपोर्ट। तो फ्रेंड्स आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, कहीं भी जगह पे फ्रेंड्स आपको कोई मेटल ऐसे ही हवा में लटक रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उस बात का आपको खास ध्यान रखना है, कहीं भी सपोर्ट लगाना भूलिएगा मत, सपोर्ट कंपलसरी फ्रेंड्स आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट रह गया था तो मैं इसमें अभी यहाँ पे सपोर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जहाँ पे सपोर्ट लगाना बाकी था मैंने वहाँ पे सभी जगह पे सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने सभी जगह पे यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं वापस करने वाला डायमंड पेस्टिंग, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है डायमंड पेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को वापस यहाँ पे रख रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी ना हो इसीलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते रहे वीडियो और सुनते रहे म्यूजिक साथ साथ, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स मैं लगा रहा हूँ वीडियो को अभी फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि फ्रेंड्स मैं अभी भी डायमंड इस पर रखने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फिर बीच में आपको कहीं भी जगह लगा दी मुझे भाई, मैं यहाँ पे सपोर्ट लगाना जरूर है, तो प्लीज़ यहाँ पे कमर से सपोर्ट लगा दीजिए। ऐसा नहीं चलो चलेगा कोई बात नहीं, जो छोटा सा है तो सपोर्ट नहीं लगाएगा तो चलेगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं सपोर्ट लगा दीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। खामोखा फ्रेंड्स आपको रिस्क्यू लेना है, ठीक है, तो सभी जगह पर फ्रेंड्स जहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ पर सपोर्ट आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर सपोर्ट लगा दीजिए, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम होने वाली, इसके लिए फ्रेंड्स पहले से ही सपोर्ट लगा दीजिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैंने ऑल ओवर सभी जगह पर डायमंड रख दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रहा हूँ जो उसके साथ तो नीचे बेचल जाती है, ताकि फ्रेंड्स जो पेंडेंट है, पेंडेंट फ्रेंड्स एकदम फुल डोम वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपलसरी आपको जो नीचे जो बेजल आती है, सपोर्ट बेजल बोलते हैं, वो बनाना कंपलसरी है। मतलब कि फ्रेंड्स कोई भी अगर जो क्वेश्चन है, पेंडेंट सेट है, मंगलसूत्र कुछ भी फ्रेंड्स एकदम बैन आता है, मतलब कि फुल डोम वाला और बैन आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपलसरी आपको बेजल बनानी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स साथ में देख लीजिए बेजल भी कैसे बना रहे, ठीक है। इसमें मैं फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि बेजल कैसे बना रहे, ठीक है। फ्रेंड्स देख लीजिए बेजल कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बेजल के लिए मेटल भी बना दिया है। तो फ्रेंड्स सपोर्ट जो रखते हो आपको फ्रेंड्स मिनिमम 0.7 रखना है, ठीक है। चारों ओर से फ्रेंड्स आपको 0.7 रखना है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। वो भी
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड ऐसी अच्छी डिजाइन मैंने फ्रेंड्स आप सिर्फ आपके लिए बनाई, पूरे 2 घंटे का वीडियो हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए फ्रेंड्स मैंने अच्छी डिजाइन बनाई, एक लाइक तो बनता है ना फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कर दीजिए यार।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी अभी आगे वीडियो में देखा, मैंने सभी जगह पे बेचलेट बना दिया। आप देख सकते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट यहाँ पे मैंने सपोर्ट बेचलेट बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी जो बात आती है प्रोंग पेस्टिंग, तो फ्रेंड्स प्रोंग पेस्टिंग भी कैसे करना है सब फ्रेंड्स आपको पता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं वीडियो वापस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को वापस फास्ट फॉरवर्ड में रख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चले मैं अभी रख देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स उसी के साथ फ्रेंड्स प्रोंग पेस्टिंग कैसे करना है उसकी सेटिंग फ्रेंड्स आपको सभी को पता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, देखते रहे वीडियो, सुनते रहे म्यूजिक। तो फ्रेंड्स हमें सभी जगह पे मैंने प्रोंग पेस्टिंग कर दिया, आपने अभी भी आगे देखा। तो फ्रेंड्स अभी जो बात आती है उसका जैम कटर, तो फ्रेंड्स प्रोंग पेस्टिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जैम कटर लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जैम कटर, देख लीजिए कैसे करना है फ्रेंड्स, वो भी आपको पता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो प्रेस आपने देखा यहाँ पे कितनी अच्छा ये पैनल सेट था, मैंने कंपलसरी सब सब कुछ इसमें किया, जो जो भी आता है वो सभी का स्टेपिंग बेकिंग सब परफेक्ट दिया है फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो करना है बनता है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में फ्रेंड्स कोई अच्छा वाला कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पैनल सेट जो डिज़ाइन था एकदम ठीक है जोरदार आउटस्टैंडिंग, इसको फ्रेंड्स डिज़ाइन बोलते हैं, तो यहाँ कंपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को फ्रेंड आपको शेयर कर दिया फ्रेंड्स, और किसी के साथ किसी के पास उसको सीखने के लिए पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, तो फ्रेंड्स वो लोग हमारे वीडियो देख के सब सीख सकता है ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फ्रेंड, गुड बाई।